Hey guys, welcome back to my channel once again friends, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन आपके सारे डाउट्स और जितनी भी आपको कन्फ्यूजन है 512 आई थिंक सो पटवारी और लेखपाल की भर्ती को लेकर जो मेन चार क्वेश्चंस थे, पहला कि एग्ज़ाम में पहले लिखित होगा या फिर फिजिकल होगा, दूसरा कि एक ही फॉर्म हमको अलग अलग बार भरना है या फिर दो एक बार में चल जाएगा, तीसरा उसका सिलेबस क्या हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आज ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो आज सारे सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा, तो मेरे साथ अपन तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब भी कर लिया, अगर पहली बार आया तो बेल वाले आइकन को दबा ही लिया होगा। यार 95% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और उसके अलावा एक और हमारा चैनल है जो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, आपकी इच्छा तो विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपना प्यार उसे भी दे देना। तो चलिए आगे करते हैं कार्रवाई। फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, मैंने चयन आयोग को कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिसका जवाब मुझे मिला है, और बाकियों का मैं आपको वीडियो के अंत तक जवाब दूंगा। जैसे मैंने रिगार्डिंग पटवारी और लेखपाल भर्ती को लेकर क्वेश्चंस पूछे थे कि गुड मॉर्निंग सर एंड मैडम, पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी तो पटवारी और लेखपाल की भर्ती आई हुई है, तो उसमें फिजिकल होगा या नहीं होगा, पहले रिटर्न होगा या नहीं होगा, उसके अलावा इसका सिलेबस क्या होगा, और उसके अलावा एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि या ऑफलाइन होगा। सारी डिटेल उन्होंने यहां पर दी है मुझे। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या मुझे रिप्लाई है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहला आंसर यह है कि भर्ती का जो सिलेबस था, यानी कि जो आप देख सकते हैं सिलेबस के बारे में कुछ लोगों को डाउट था, तो यहां पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि भर्ती का सिलेबस आयोग के वेबसाइट पर है और ऐप है, ठीक है। और उसके अलावा यहां पर सबसे बड़ी बात उन्होंने यहां की कि सिलेबस ग्रेजुएट लेवल का है जो वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो अभी मैं वो सिलेबस भी आपको दिखाऊंगा कि कैसा पटवारी का सिलेबस है। यहाँ पर उन्होंने आयोग ने साफ साफ कर दिया है कि जो सिलेबस आयोग के वेबसाइट में ग्रेजुएट लेवल का है वही सिलेबस आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सिलेबस कैसा है। ये है आपकी स्क्रीन पर जो सिलेबस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो है सामान्य हिंदी से आपको 20 क्वेश्चंस आए, 20 नंबर आएंगे, उसके अलावा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से 40 आएंगे, जिसमें सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर है 2.7 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो इस बार नया ऐड हुआ है, वो है कंप्यूटर फंडामेंटल, और उसके अलावा उत्तराखंड से विविध जानकारियाँ 40 मार्क्स की, यानी कुल मिलाकर 100 मार्क्स के ये होंगे इनके 40 एंड 20। तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि जो 2.7 है ये कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास लाइव हमारे चैनल पे 20 जून से लाइव 8 बजे रात को होगी। तो आप जुड़ना मत भूलिएगा हमसे, 20 जून से, यानी 20 जून 2021 से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की जो लाइव तैयारी होगी रात 8 बजे, तो जुड़ना मत भूलिए। तो पहला डाउट आपको क्लियर हो गया होगा सिलेबस को लेकर। अब चलते हैं दूसरे जो डाउट है, ठीक है, कि फॉर्म को लेकर, कि फॉर्म अलग अलग भरना है लेखपाल का और पटवारी का कि एक साथ भरना है। फ्रेंड्स, यहां पर जो अगला क्वेश्चन था जो मैंने ये पूछा था कि फॉर्म एक ही भरना है कि अलग अलग भरना, तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है आंसर साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म एक ही है दोनों का। इट मींस अगर आप एक ही फॉर्म भरेंगे, तो अगर आप सोच रहे हैं कि पटवारी के लिए हमको अलग भरना है और फिर लेखपाल के लिए अलग भरना है, तो ऐसा नहीं है, आपको जो फॉर्म है वो एक ही भरना है, यानी कि एक OTR से एक ही के लिए अप्लाई करना है, एग्ज़ाम भी एक ही होगा, सिलेबस भी एक ही होगा, आपकी मार्क्स और रैंक और कैटेगरी के अनुसार आपको पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। ये तो होगी दूसरे क्वेश्चन की है। और तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने इनसे पूछा था कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, तो यहाँ इन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल तो नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड होगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। तो फिलहाल ऐसा आयोग ने कहीं भी स्पष्ट नहीं यहाँ पे कहा है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। आपको ध्यान होगा कि आयोग ने अपने कल के नोटिफिकेशन में भी ये कहा है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों हो सकता है, तो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेंट। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होंगे, मुझे लगता नहीं है कि जो कम होंगे, और उम्मीद करते हैं कि क्या होता है ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, बीच में
सिलेबस का भी तामझाम है कि वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपन द नेक्स्ट। अब लास्ट और बट नॉट लीस्ट, जो सबसे ज़्यादा आ रहा है क्वेश्चंस की, फिजिकल होगा या फिर पहले रिटर्न होगा, तो चलिए इसके बारे में भी आपको डाउट जो है यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 513 पदों को लेकर, जैसे कि ऑलरेडी एग्जाम आ चुका है, तो यहाँ पर साफ साफ के लिखा है आयोग ने कि आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तय की गई है, जबकि लिखित परीक्षा नवंबर में है। तो लिखित परीक्षा आप देख सकते हैं नवंबर में है, तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है आयोग की ओर से कि लिखित परीक्षा के बाद ही फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पर सभी डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए कि एग्ज़ाम दो फॉर्म भरना है या फिर अलग अलग भरना है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सिलेबस क्या होगा, और सबसे बड़ा डाउट जो यहाँ पर मैंने आपके लिए आपका वहाँ पर मैंने डाउट साफ किया वो कि लिखित परीक्षा के बाद ही फिजिकल टेस्ट होगा। यानी कि ये चीज़ मैंने कल के वीडियो में भी अपने बताई थी, जब मैंने उसके बारे में बताया था नोटिफिकेशन के बारे में, कि पहले आपका रिटर्न होगा देन ही आपका फिजिकल होगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे सवालों का जो आपके मेन इंपॉर्टेंट, बाकी और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ जाननी है पटवारी और लेखपाल से रिलेटेड, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। मैंने सभी मेन जो टॉपिक थे हाईलाइटेड उनको साफ साफ यहाँ पे बता दिया है। बाकी अगर आपको कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, वेट रहेगा। बाकी यार सब्सक्राइब तो अभी तक आप लोगों ने कर ही लिया होगा, लाइक और शेयर भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।